पशुओं की बात पशुपालकों के साथ पशुपालन विकास में देखने वाले सारे भाइयों ना भाई गुरमीत कवि के हाथ जुड़ गए। राम राम और नमस्कार है। आज पहुंच चुके हैं जिला सोनीपत के जुआ गांव में डीलू भाई के पास। एक बहुत अच्छी क्वालिटी का पशु था ना आप लोगों को इस वीडियो में सेल के लिए दिखावांगे। असल में तो आप देख ही लोगे अभी सी। और डीलू भाई से आपकी मुलाकात कराऊंगा। डीलू भाई राम राम। पशुपालक भाई हो क्या, आपका पशु समय पे हिट पे नहीं आ रहा है? हिट पे आने के बाद बार बार फिर रहा है या रिपीट हो रहा है? आपका पशु शरीर से कमजोर है तो घबराइए नहीं, न्यूट्री डाइट खिलाइए। रोज 100 ग्राम दिन में एक बार चाट दलिए दाने में मिला कर दे और छोटे बच्चों की अच्छी ग्रोथ के लिए भी न्यूट्री डाइट दे। आप इसे हर मेडिकल स्टोर से ऑनलाइन या अमेजोन फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो। नीचे लिंक दिया हुआ है, चूक ना जाना, न्यूट्री डाइट खिलाना। राम राम भाई साहब। दर्शकान और अंडे सारे दर्शकान है। राम राम। और डीलू भाई ठीक है? ठीक ठाक भाई साहब। क्या काम छेड़ रखा है? पशु दूध का काम कर रहा भाई। साथ में पशुपालन। हाँ भाई। क्या रेट चल रहा है दूध का अपने यहाँ, किस रेट लिया करो, जैसे क्या कुछ प्रोसेस रहा है? फैट पे लिया रहा भाई। फैट पे किसो? फैट पे 100 पे 100। हाँ इतना महंगा हो लिया दूध? और सोनीपत अपना सोनीपत देगा दूध आप? हाँ ठीक 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 है। तो आज वीडियो बनाने पहुंचे हाँ पाजी, इस पशुधन की कौन सा ब्यात में बच्चा दे रखा है पिला? या दूसरे ब्यात में भाई? दूसरे ब्यात में। पहले ब्यात में अपने पास ही थी? हाँ भाई। पहले ब्यात में कितना के दूध दिया भाई? इन्हें 13 किलो दिया था भाई। 13 किलो। इब जैसे दूसरे ब्यात में कितने दिन हो लिए भाई ने? इन हो लिया भाई बिना के। बिना नीचे काफ के है बच्चा के है? कटड़ी है भाई। नीचे कटड़ी है भाई, आप लोग देख भी सको हो। अच्छा दूध की बात कराई, बिना हो गया मेला मुला लग ली सारे काम हो लिए, तो अभी कितना के दूध बना रही है मौके पे? 15-15 किलो भाई। 15-15 किलो। तो और उम्मीद है बढ़ने की, इतना इतना ही पैराएगी के भेरा भाई नुंदा? नहीं फिर भी आप पशुधन रखे रख रखे मतलब बंदा की 1.5 किलो जाओगे? 1.5 किलो। ठीक ठीक ठीक। डाइट चार्ट की अगर बात करा, क्या खिला रहे हो राशन में, क्या डाल रहे हो, किस हिसाब से क्या कुछ साधारण साधारण डाइट में? नॉर्मल डाइट है स्पेशल डाइट? तो सेल करने का रीजन क्या बनेगा? अपना दूध का काम है, फिर बेचने का रीजन? घना हो रहा था दूध, दूध ज्यादा हो रहा है। हाँ। ठीक ठीक, इस कारण बेचने लग रहे हो। हाँ। क्या कुछ मोल तो लोगे अगर मोला की बात करा, रेट की बात करा? 2.5 लाख है भाई। फिक्स प्राइस है यो? हाँ। मतलब इतने पैसे 15 किलो दूध भाई साहब की में ज्यादा नहीं मांग रहे हो ना? और आप कड़ी लेने चले जाओ, मान लो 15 किलो दूध की, आप कितने की ले लोगे? डांगर देखा जा भाई, डांगर देखा जा, क्वालिटी देखी जा। मतलब भाई ने भाई का इसके भाई कहने का मतलब मैं अपनी जिस हिसाब से मेरी क्वालिटी है पशु की, तो मैं उस हिसाब से पहले लगे भी हैं पैसे जो आप वीडियो बनाने से पहले बता रहे थे, कितने के पैसे लगे थे? 2 लाख लगे थे पिछले बार। गैप बन के लगे थे कि ब्याह ही उड़ गए? गैप बन गए, गैप बन गए 2 लाख रुपये। कहाँ के थे फार्मर जी ने पैसे लगाए? अच्छा 2 लाख रुपये लग गए थे पर दी नहीं फिर? तो ई बेचने का रीजन ये हो रहा है दूध ज्यादा हो रहा है, डंगर ज्यादा हो रहे हैं ना, दूध घना हो रहा है, दूध ज्यादा हो रहा है, इस कारण से भाई बेच रहा है 2,50,000 रुपये 15 किलो दूध फिलहाल मौके पे तैयार है। भाई कह रहा है कि 1.5 किलो दूध है तो इस कारण से बेच रहे हो भाई साहब? ठीक ठीक, 2,50,000 रुपये कीमत होगी भाई, बाकी मान सम्मान भाई साहब को भाई लेना होगा उसका। फिरोती फेर है भाई? फिरोती जितनी बनाएगी। के रेट है फिरोती के? क्या कुछ व्यवहार चल रहा है अपने फेरा भाई बनने? हो रहे दूध दूध ले है, रेट फिरोती का नहीं फेरा? फिरोती फिरोती है। ठीक ठीक ठीक। तो मोबाइल नंबर बता दीजिए अपना एक बार। 9896-2857 ये भाई का मोबाइल नंबर है। अपना जो गांव है जुआ, जुआ सोनीपत से कितनी दूर है? सोनीपत 17-18 किलोमीटर। किस रोड पे है? खानपुर रोड पर। खानपुर रोड पर भाई का गांव है, बाकी गांव में सारे भाई जाने हैं डीलू ने, इसी कोई बात नहीं, किसी भी भाई से आगे पूछोगे भाई तो संपर्क कर लियो। पशुओं की बात पशुपालकों के साथ पशुपालन विकास में देखने वाले सारे भाई ने राम राम भाई को राम 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 राम।